5.1 की इस प्रश्नावली के अंदर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी, वो है हमारा थर्ड का फिफ्थ। इसमें मैंने समझाया था कि श्रेणी अगर आपकी रूट टू प्लस प्लस वन कॉमा रूट एट, रूट एटीन और 32 है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ने के लिए आपको पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड क्या किया मैंने, ये टू का लिखा है, टू लिख दिया आपका, 4 × 2 लिख दिया, 9 × 2 लिखा है, 16 × 2 लिखा है। अब क्या करना है, ये 4 जब बाहर आएगा रूट से 2 बन के निकलेगा, 9 जब रूट से बाहर आएगा 3 बन के निकलेगा, 4 × 16 है जो रूट से निकलेगा, क्या बनेगा, 4 बनेगा आपका। ओके, नाउ अब क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी का मतलब सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए क्या चाहिए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करके देखेंगे और तृतीय पद माइनस सेकंड पद करके देखेंगे, दोनों का मान अगर एक जैसा आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये समांतर श्रेणी है, वो हमने लिख दिया वहाँ पर। अब इसने एक सवाल और कहा हमसे कि भाई अगर है तो हमें पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद और आठवां पद भी निकाल के दिखाइए। तो हमने निकाल के दिखाया, एन बराबर 5 है, इसमें क्या बन जाएगा सूत्र हमारा, ए प्लस 4d। पाँच पद के लिए ए का मान रूट 2 है हमारे पास, डी का मान अभी निकाला आपने रूट 2 है, वैल्यू पुट कराएंगे, रूट 2 प्लस 4√2 क्या होते हैं, 5√2 होते हैं। क्यों, इट इज बिहेविंग लाइक एक्स, जैसे 4x प्लस एक्स क्या होता है 5x, 3x प्लस 2x क्या होगा 5x, उसी प्रकार से ये रूट 2 की वैल्यू ये भी है, रूट 2 की ये भी है, तो 4√2 और रूट 2 क्या आ गया 5√2। देन n बराबर 6 रखने पर श्रेणी वो बनेगा, पद बनेगा अपना a प्लस 5d, रूट 2 प्लस 5√2, वैल्यू पुट करा देंगे 6√2 बन जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 7 वाले के लिए, पद के लिए a प्लस 6d फॉर्मूला बनेगा, उस फिर क्या होगा रूट 2 प्लस 6√2 बन जाएगा, फिर देखें आंसर आएगा 7√2। इसी प्रकार आठवें पद के लिए हमको प्राप्त होगा a प्लस 7d, इसमें रूट 2 प्लस 7√2 आ गया, इसके बाद आ गया 8√2 आंसर। लेकिन इस प्रकार नहीं लिखना, लास्ट में हमको लिखना है ब्रैकेट बना के पूरा, और क्या लिखना है, 5√2 कॉमा 6√2 कॉमा 7√2 कॉमा 8√2। इस प्रकार हमने सॉल्व किया है आपके सामने, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं, जो भी बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा a2a + 3a, ये वाली वैल्यू है, तो यही क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, वो समांतर श्रेणी की बात कर रही थी, और इसी प्रकार का ही जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, यही मेथड यहाँ पे यूज होने वाला है आपका, तो मैं ये क्वेश्चन को रफ ही नहीं कर रहा, क्योंकि यही मेथड यूज होने वाला है, यही फॉर्मूले लगेंगे आपके, और जहाँ तक मुझे लगता है ये आपकी समांतर श्रेणी ही निकल के आएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन हमारा 6 उठा रहे हैं, पर बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जिसको ये चर बीजगणित आपको समझ में आती है, चर अचर समझ में आते हैं, वो बच्चे फटाफट इसको कर लेंगे, वरना इसमें संभावना होती है कि भाई बच्चे कर नहीं पाते इसका। तो देखें आप, ये हमारे पास सिर्फ दे रखा ए 2a 3a। हाँ भाई अंशुल बताओ, ये श्रेणी होनी चाहिए, बिल्कुल बन रही है आपकी, देख लो आप, इसमें गैप भी a का है, इसमें भी गैप a का है, तो क्या लिखें यहाँ पर, ये रहा अपने पास 2a माइनस ए, मीनिंग क्या, ए मतलब दो में से एक गया तो एक बचा, लेकिन यहाँ पर 2x है, उसमें से एक x गया तो x बचा, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा चर ले रहे हैं, a से लेकर z तक जो हमारी गणित के अंदर यूज होते हैं उनको बीज बोलते हैं, इस पर आधारित जो गणित है हमारी उसको बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित में हम ये जानते हैं कि भाई अगर ये डबल है पद तो इसका एक घटा देंगे तो एक ही पद बचेगा, ठीक है, उस प्रकार से। और यहाँ पे भी देख लो आप, सही है कि नहीं है, यहाँ भी देखो थर्ड माइनस फोर करेंगे तो यह भी देखो आप 3a - 2a, तो तीन में से दो गए, फिर से क्या बचा, ए बचा, तो हम क्या कह देंगे, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, चलो ये भी अच्छी बात है। अब क्या करें, पद निकालें, तो a का मान पता होना चाहिए और डी का मान, डी का मान a है हमारे पास, और a का मान भगवान की दया से क्या है, a ही है, ये पहला सवाल आया, इसमें a का मान a ही है, चलो प्रथम यही है, a प्लस और 5 क्या लिखा है, क्या लिखा है, a, d का मान ये है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 4a, हाँ भाई a और 5, 4a कितने हो गए 5,
जो हमने अभी समझा था वो दोबारा काम आने लग गया। फिर देखो आप यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस फाइव ए, क्यों d का मान भी हमारे पास a लिखा हुआ है, देख लो आप, है ना, तो 6a हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये हमारे सामने आएगा a प्लस 6a, 7a आंसर आ जाएगा, और ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा a प्लस 7a, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 8a। आंसर लिखोगे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5a कॉमा 6a कॉमा 7a कॉमा 8a, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो।